7. Yeah! 8. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एक और नया दिन, एक और नई सुबह और एक और नई जर्नी। दोस्तों अभी मैंने सुबह सुबह दुकान खोल लिया है और कस्टमर एक आया था। अभी जैसे जैसे दुकान खोला वैसे ही एक कस्टमर आया, तो आज का दिन अच्छा, आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा क्योंकि अच्छा स्टार्टिंग हुआ है। तो चलिए अभी सब सामान को बाहर रखते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो अभी सब सामान बाहर रख दिए, अब करेंगे पूजा। अब चलिए पूजा करते हैं। पहले तो अभी काफ़ी जोरों की हवा चल रही है बाहर में और बहुत जोर की बारिश आने वाली है। मैंने बाहर निकल कर देखा, उस साइड से वेदर काफ़ी गंदा होकर रखा है। अभी मैं कपड़े को सारे अंदर कर दिया हूँ, यहाँ पे जितने भी कपड़े सब अंदर कर दिए बाहर से सब, क्योंकि आगे से ही रेडी रहना सही होता है और बारिश आ जाएगा तो फिर उसमें हड़बड़ी में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। ये सब जो बाहर में सामान थे इनको भी मैंने अभी अंदर में रख दिया है क्योंकि बारिश से बचा जा सके। बस ये बारिश के समय में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बारिश की शुरुआत हो चुकी है, काफ़ी जोरों की बारिश आ रही है। थोड़े बाहर में जो कपड़े थे मैंने उसे भी अंदर कर दिया और अब दुकान में बैठ के चुपचाप बारिश का मज़ा लूँगा। जब भी बरसात होती है तो कस्टमर तो आएंगे नहीं, तो बैठ के बाहर का व्यू देखते हैं। बरसात होता है तो मज़ा आता है, देखते हैं, बट वही है मज़ा के चक्कर में दुकानदारी का अवस्था ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं दुकान से घर की तरफ जा रहा हूँ, बारिश होने लगी इसलिए दुकान को जल्दी बढ़ा दिया हूँ। आपने देखा कि कितना ज़ोर से बारिश हो रहा था, अभी भी बारिश हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ घर के लिए। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ बारिश काफ़ी तेज़ होती जा रही है, जल्दी दुकान बढ़ा दिया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो आपने लास्ट देखा था कि मैं घर जा रहा था, उसका शाम को मैं दुकान पर आया नहीं। शाम को कल भाई दुकान खुला था, रीज़न ये था कि मेरी एक दीदी है जो छत्तीसगढ़ में रहती है, उसे एक छोटा सा बच्चा है जिससे तबीयत ख़राब होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो उसके लेके मुझे काफ़ी कॉल करना पड़ा दीदी को, जीजा को कॉल किए, फिर से यहाँ डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो उसको लेकर मैं वीडियो बना नहीं पाया, यानी कि मूड ही सही नहीं था तो कहाँ से वीडियो बनाई। और कोई बात नहीं, समस्या आती रहती है ज़िंदगी में, समस्या से निपटना पड़ेगा। हो सके तो मैं छत्तीसगढ़ जाऊँ, मैं आप लोग को अगर कुछ ऐसा सिचुएशन रहा तो मुझे छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा। जैसा होगा मैं आप लोगों जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।